अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें उन्होंने तीन साइड दी हुई हैं, 3, 4 और 7, और उन्होंने कहा है कि नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव रीज़न, रीज़न हमने देनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम पेज पे लिख लेते हैं। 3, 4, 7 हमने लिख ली। अब हमने डिसाइड पहले कर लेना है कि हमने तरीका प्लस वाला लगाना है या माइनस वाला लगाना है। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला, जो ईजी लगता है। मुझे, मैं प्लस वाला कर रहा हूँ। प्लस वाला करेंगे तो कोई भी दो साइड को प्लस करेंगे, तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह 3 + 4 पहले हमने चेक किया, 7 से ग्रेटर होना चाहिए। फिर 3 + 7 > 4 होना चाहिए। फिर 4 + 7 > 3 होना चाहिए। अब तीनों को चेक करेंगे, तीनों में से किस कौन कौन से ट्रू है। अगर तीनों ट्रू होंगे तो वो पॉसिबल होगी, कोई एक भी ट्रू ना हो तो वो नॉट पॉसिबल। जैसे पहले देख लें, 7 > 7 नहीं होता तो वो फॉल्स आ जाएगा। 11 > 4 होता है तो इसका मतलब वो ट्रू आ जाएगा। फिर वो 10 > 4 था तो वो ट्रू आ गया। उसके बाद 11 > 4 है, वो ट्रू आ गया। फिर नीचे 10 > 4 ट्रू, 11 > 3 वो भी ट्रू। तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोई तीनों में से एक भी फॉल्स हो जाए, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होती। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होती, एक हो जाए, दो हो जाए, तीनों भी हो जाए, तब भी जरूरी। तो एक का होना ना जरूरी था। तो अब जब नहीं हुई तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेरी नंबर 1, 3 + 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 7। 3 + 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 7। क्यों? क्योंकि 3 + 4 का सम जो है वो ग्रेटर दैन 7 होना चाहिए था, वो ग्रेटर दैन 7 होना चाहिए। अब वो नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, वो आगे रीज़न लिखेंगे। बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ये आप लोगों को पता है कि रीज़न, हमने प्लस वाला हो तो प्लस वाले की देनी थी, माइनस वाला हो तो माइनस वाले की देनी। तो अब प्लस वाला हमने किया तो प्लस वाले के मुताबिक कहेगा सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो जब ये इक्वल नहीं आ रही तो आगे क्या लिखेंगे, दीज साइड्स आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये नीचे लिख देंगे, दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं, वो भी ठीक है आप लोग। तो ये ट्राइंगल, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। इस तरीके से रीज़न देनी है। होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।